हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लेसन नंबर 3। तो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द सीएसएस फाइल। इट मींस आई एम गोइंग टू शो यू द एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के लिए वी नीड टू फाइल्स। फर्स्ट वी विल क्रिएट अ एचटीएमएल फाइल एंड देन अनदर फाइल विल बी क्रिएट सीएसएस। तो सीएसएस फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि एक्सटर्नल CSS का यूज़ क्या है। तो एक्सटर्नल CSS बेसिकली यूज़ होता है वेब डिज़ाइनिंग के अंदर। जब आप मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बार बार फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि हम मल्टीपल पेजेस पर एक साथ वन टाइम फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर देखें तो हमें हर वेब पेज पर जाकर फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो CSS जो हमारा एक्सटर्नल CSS है वो इस चीज़ को रिड्यूस करता है, जो ये अननेसेसरी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, बार बार आप एक इंडिविजुअल पेज पर जाके फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो वंस यू क्रिएट अ फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल, देन यू कैन अप्लाई अ मल्टीपल यू कैन अप्लाई द मल्टीपल फॉर्मेटिंग टू द HTML पेज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपनी HTML फाइल। तो HTML फाइल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपको याद रखना है अपना वही बेसिक स्ट्रक्चर, HTML हेड लिंक स्पेस रिलेशन, REL मीन्स रिलेशन। अब रिलेशन क्या है HTML पेज और CSS का, तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्टाइल शीट। स्टाइल शीट टाइप इज इक्वल टू डबल कोटेड में टेक्स्ट स्लैश CSS डबल कोटेड क्लोज HREF इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप याद रखिएगा, अभी आप सेकंड फाइल जब क्रिएट कर रहे हैं CSS की, तो आपको वही नाम रखना है जो आप बाद में उस CSS फाइल का रखेंगे। तो यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ CSS फाइल डॉट CSS डबल कोटेड क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैं हेड क्लोज कर दूंगा। हेड सेक्शन के अंदर ही हमें ये लाइन मेंशन करनी होगी, डिक्लेयर करनी होगी लिंक रिलेशन वाली, जो ये ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है, रिलेशन याद रखना है, टाइप याद रखना है, और लास्ट में जो हाइपर रेफरेंस, जैसे आपने HTML पेजेस को कनेक्ट करा होगा HTML के अंदर हाइपर रेफरेंस, तो उस तरीके से यहाँ पर मैंने CSS फाइल जो मुझे कनेक्ट करनी है उसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। हेड के बाद आप यहाँ पर लिख रहे हैं बॉडी, उसके बाद जो भी हमारे नॉर्मल टैग्स हैं HTML के वो हम यूज़ करेंगे, लाइक पैराग्राफ, हेलो CSS, पी क्लोज, H1, दिस इज लेसन नंबर 3। बाकी स्ट्रक्चर सेम है जैसा HTML में आपने अभी तक करा है, H1 क्लोज, उसके बाद आपका बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। इस फाइल को हम सेव करेंगे example3css.html। एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। इसका अभी जो आउटपुट आ रहा है वो सिंपल है, अभी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई है क्योंकि ये एक्सटर्नल CSS है और एक्सटर्नल CSS अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें दो फाइल चाहिए होती हैं, पहला हमें जो HTML विल हैव टू क्रिएट, देन उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस वी जस्ट क्रिएट अनदर फाइल दैट इज CSS फाइल। तो CSS फाइल के लिए जो मेरी कोडिंग है वो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स बैकग्राउंड हाइफन कलर, ये बॉडी बैकग्राउंड बॉडी बीजी कलर जैसा आपने दिया होगा लास्ट टाइम, तो उस तरीके से ही मैं यहाँ पे बॉडी का कलर क्या होगा बैकग्राउंड कलर कॉलन येलो सेमी कॉलन एंड स्पेस। यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है, जो भी एट्रीब्यूट्स या जो भी आप प्रॉपर्टीज यूज़ कर रहे हैं उसको आपको लास्ट में क्लोज करना है। इसके आगे आप फॉर्मेटिंग और भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक मुझे बॉडी बैकग्राउंड कलर देना है या उसके अलावा मुझे
कोई भी साइज़ देना है, फॉन्ट साइज़, वो तो खैर बाद की बात है, बट यहाँ पर हम इनिशियली हम बॉडी बीजी कलर दे रहे हैं, तो वो हमारा येलो होगा। वो आप तब यूज़ करेंगे अगर आप कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो फॉन्ट साइज़, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, वॉट एवर। तो नेक्स्ट हमारा है इसमें पैराग्राफ, इसको मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ बैकग्राउंड कलर को। अब यहाँ पर आप जो बैकग्राउंड कलर सेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर हमारा क्या होगा, रेड। देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, H1, ये बैकग्राउंड कलर किसका है हमारा, ये है हमारा हेडिंग का, लार्जेस्ट हेडिंग ब्लू, तो हम ब्लू कलर दे देते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस फाइल को आप सेव करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको HTML पेज पे बताया था css file.css, तो यही फाइल का नाम होना चाहिए css file.css। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हुई है, इसका जो सिंबल है, जो आइकन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नॉर्मली नोटपैड फाइल होती है और जो css फाइल का जो सिंबल थोड़ा सा अलग है। तो ये हमारी css फाइल क्रिएट हो चुकी है, तो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं, HTML पेज जो हमने भी क्रिएट करा था। तो देखिए आप इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपको HTML पेज के अंदर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंगल कॉमन फाइल बनाएंगे CSS की, और आप उस फाइल को मल्टीपल HTML पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि ये जो एक्सटर्नल CSS है ये यूज़ होता है आपका वेब डिज़ाइनिंग के टाइम पर, जब आप वेब डिज़ाइनिंग करेंगे और आपके पास अगर इफ़ यू हैव 100 पेजेस, 100 HTML पेजेस, तो उस केसेस में आप क्या कर रहे हैं, उस केसेस में आप एक ही बार फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे एक CSS फाइल के अंदर, और उसको आप मल्टीपल HTML पेजेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और पेज क्रिएट करके बता देता हूँ HTML का, आप एक ही फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी CSS फाइल को मॉडिफाई करना है, बाकी रेस्ट ऑफ थिंग जो है आप एक कमांड के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HTML हेड। अब आपको जो लाइन याद रखनी है वो लाइन है हमारी लिंक रिलेशन वाली, जो मैंने आपको बताया था लिंक रिलेशन वाली लाइन याद रखनी है, इसी लाइन को आप यूज़ करेंगे अपने मल्टीपल HTML पेजेस के अंदर। नाम वही है सेम css file.css, हेड क्लोज, बॉडी अनदर HTML पेज, बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। इस फाइल को भी हम सेव कर देते हैं example4.html। तो इस तरीके से हमने दो HTML पेजेस बनाए हैं और एक CSS फाइल क्रिएट करी है। अब आप देखेंगे कि जो मैंने example4.html नाम का एक जो वेब पेज बनाया है, इसके अंदर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर्मेटिंग जो अप्लाई हो रही है वो केवल येलो कलर अप्लाई हुआ है, क्यों, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे अपना HTML पेज बनाया था सेकेंड पेज, उस पेज के अंदर मैंने जो यूज़ करा है वो यूज़ करा है बॉडी टैग, तो हमारे इस HTML पेज के अंदर बॉडी टैग यूज़ हुआ है। तो CSS फाइल के अंदर उसने क्या कॉल कराया, केवल बॉडी बैकग्राउंड कलर, क्योंकि अगर हम यहाँ पे यूज़ करते पी, सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी, और इसको मैं कर देता हूँ पी क्लोज, तो अब देखिएगा आप इसका ऑटोमेटिकली कलर रेड हो जाएगा, जो अनदर HTML पेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए अप्लाई हो चुका है। तो CSS का ये फ़ायदा होता है एक्सटर्नल CSS का, आपको बार बार फॉर्मेटिंग यूज़ नहीं करनी है, आप वन टाइम यूज़ करेंगे CSS फाइल के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करनी है, और आप उसको सिंपली एक नॉर्मल HTML पेजेस बनाइए। तो यहाँ से यहाँ पे जो कोडिंग लिखने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बच रहा है हमारा। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।